हेलो फ्रेंड्स, मैं भारत भूषण एडवोकेट। मेरे पिछले वीडियो ट्रांजिशनल प्रोविजंस इन जीएसटी रिलेटिंग टू स्टॉक इन हैंड को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉपुलर डिमांड पर मैं जीएसटी पर एक कंप्लीट कोर्स शुरू करने जा रहा हूं, जिसे हम छोटे छोटे वीडियोस के में बांटेंगे। और इस कोर्स में पूरा जीएसटी का बेसिक आइडिया, जो हम डे टू डे काम करने वाले प्रोफेशनल्स और व्यापारी भाइयों के लिए कोशिश की जाएगी कि उसमें जीएसटी के सभी प्रोसीजरल एस्पेक्ट को कवर कर लिया जाए। कोर्स का आज मैं पहला चैप्टर ले रहा हूं, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सटेंट ऑफ जीएसटी, इट्स स्कोप एंड इट्स टैक्सेबल इवेंट। एक्सटेंट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे इंडिया में लागू होगा एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप जानते ही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग स्टेटस है, और जीएसटी एक्ट को यूनियन पार्लियामेंट वहाँ जेएंडके में तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली इस पे अपनी असेंट ना दे दे। जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी के इस फॉर्म को अपने यहाँ एक्सटेंड करने में हिचकिचा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम अपना एक मॉडिफाइड मॉडल लेके आएंगे, जिसकी अभी इंतजार है। अभी जो व्यापारी जम्मू एंड कश्मीर में डील कर रहे हैं, जिनकी कठुआ में फैक्ट्री है, तो उन्हें और इंतज़ार करना होगा कि किस तरह का, किस मॉडिफाइड फॉर्म में जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ जीएसटी। जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कवर कर रहा है एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लीकर जीएसटी में कवर नहीं है। लीकर पर पहले की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती रहेगी और वो जीएसटी में कवर नहीं होगा। क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल टेम्परेरीली जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। अभी इन पांचों चीज़ों पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती रहेगी और स्टेट अथॉरिटीज इन पर वैट भी लगाएंगी। टोबैको को जीएसटी रेजिम में बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट दिया गया है। टोबैको पर प्रोडक्ट्स पर जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती रहेगी। टैक्सेस सबसम्ड, जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि बहुत से फॉर्म्स में है, फॉर एग्जांपल सैंडवेट, एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी एक्साइज ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी। सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सभी ड्यूटीज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा रही थी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा रही टैक्सेस जैसे वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एटसेट्रा, ऑलमोस्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही थी चाहे स्टेट गवर्नमेंट लगा रही थी, जीएसटी आने के बाद ये सब जीएसटी में शामिल हो जाएंगे और अलग से नहीं लगेंगे। हाउएवर, जो लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसपल्टी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह जो एंटरटेनमेंट टैक्स, फेयर्स एटसेट्रा पे लगाते थे, वो जीएसटी आने के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। जीएसटी का मॉडल ऑल ओवर वर्ल्ड, जीएसटी के दो मॉडल चल रहे हैं, एक सिंगुलर जीएसटी और एक ड्यूअल जीएसटी। फेडरल कंट्रीज जनरली ड्यूअल जीएसटी का मॉडल अडॉप्ट करती है। इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, इसलिए हमने भी ड्यूअल जीएसटी का मॉडल अडॉप्ट किया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाएगी, एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाईज, सप्लाईज विद इन द स्टेट पर बोथ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यानी अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे, लेकिन अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, इन शॉर्ट फॉर्म आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी का रेट
ऑलमोस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट के जोड़ के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स, चाहे सप्लाई विद इन द स्टेट हो चाहे सप्लाई आउटसाइड द स्टेट हो, टैक्स रेट दोनों सिचुएशंस में बराबर रहेगा। और इंटर स्टेट सप्लाई कौन सी होंगी, इंटर स्टेट सप्लाई कौन सी होंगी, ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ एक गुड्स, सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर 5 साल तक कंपनसेशन टैक्स भी लगाया जाएगा। ये आइटम्स हैं पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, कोल, कोल्ड ड्रिंक्स एंड लग्जरी मोटर व्हीकल्स एट्सेट्रा। आज हमने अभी कवर कर लिया एक्सटेंट ऑफ जीएसटी, स्कोप ऑफ जीएसटी। आज का लास्ट पॉइंट है लेवी। लेवी वो चार्जिंग पॉइंट होता है किसी भी टैक्स का, जिस इवेंट के होने पे टैक्स चार्ज किया जाता है। ये किसी भी टैक्सिंग लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ एक जो टैक्सेस जीएसटी के आने पर जा रहे हैं उनके चार्जिंग सेक्शन को समझते हैं। पहला उसमें लेते हैं हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, इसका चार्जिंग सेक्शन है, जिसमें लिखा है देयर शैल बी लेविड ए ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन ऑल एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए गुड्स होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बन रही है तो एक्साइज नहीं लगेगी, एक्साइजेबल होनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स वो मार्केटेबल होनी चाहिए, एक्साइज टैरिफ में मेंशन्ड होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो एज ए रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आनी चाहिए। अगर किसी एक्टिविटी पर जो प्रोसेस किया जा रहा है वो मैन्युफैक्चर नहीं है, मतलब जो रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो कॉमर्शियली डिफरेंट कमोडिटी नहीं है, तो कोई एक्साइज नहीं लग सकती। सर्विस टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है 66B, जिसमें लिखा है देयर शैल बी लेविड सर्विस टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज अदर देन दोज सर्विसेज स्पेसिफाइड इन नेगेटिव लिस्ट। जो नेगेटिव लिस्ट में सर्विसेज है उन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आर एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइड कर दी गई है तब भी लगेगा, अगर प्रोवाइड करने का प्रोमिस किया है तब भी लगेगा, यानी अगर आपने प्रोवाइड करने के प्रोमिस पर एडवांस रिसीव कर लिया है तो एडवांस पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। प्रोविजन टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए बाय 1% टू अनदर, अपने आप को कोई सर्विस या अपनी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रही है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला है सेक्शन 3 ऑफ डी वैट एक्ट, वैट कौन से किस चीज पर लगता है। एवरी डीलर शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन एवरी सेल, सेल होनी चाहिए, सेल मीन्स एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम 1% टू अदर, और वो एग्रीमेंट गुड्स के लिए होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई एग्रीमेंट है तो उस पर वैट नहीं लग सकता और उसको इफेक्ट जो कर रहा है उस पर लगेगा। अब हम चेक कर रहे हैं चार्जिंग सेक्शन अंडर जीएसटी। सीजीएसटी का सेक्शन 9, सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 9 उसका चार्जिंग सेक्शन है, जिसमें लिखा है देयर शैल बी लेविड टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ। जो सीजीएसटी है वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर लगेगा, किस चीज़ की सप्लाईज पर, गुड्स की हो चाहे सर्विसेज हो या दोनों, गुड्स आर सर्विसेज और बोथ, तो जो भी सप्लाई होगी विद इन स्टेट होगी उस पर सीजीएसटी लगेगा। यहां पर ध्यान दीजिए वर्ड यूज है सप्लाइड, यहां सेल नहीं है, वो ट्रांसफर जो सेल की डेफिनेशन में नहीं आते उन पर भी लगेगा। आगे हम सप्लाई को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला चार्जिंग सेक्शन मैं ले रहा हूं सेक्शन 7 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म बनता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। पीछे मैं बात कर रहा था एसजीएसटी की और यहां एकदम से मैं ले आया यूटीजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज ने पास करना है, बहुत सी स्टेट्स ने पास कर दिया है, बहुत से स्टेट्स अभी पास करने के प्रोसेस में हैं, लेकिन अभी वो एक्ट के पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। यूनियन पार्लियामेंट ने भी जब सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट पास किए थे तब एक एक्ट पास किया था यूटीजीएसटी। ये लागू होगा यूनियन टेरिटरीज पर, उन यूनियन टेरिटरीज पर जिनके पास अपनी असेंबलीज नहीं है, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पांडेचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उनके पास अपनी असेंबलीज हैं तो वहां पर यह एक्ट लागू नहीं होगा, वहां पर वो असेंबलीज जो पास करेगी वही लागू होगा। लेकिन इनके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दादर, नगर हवेली, चंडीगढ़,
इन सब पर ये यूटी जीएसटी एक्ट लागू होगा। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ये यूटी जीएसटी एक्ट के में जो प्रोविजंस हैं उन्हीं को मोर और लेस वैसे ही अडॉप्ट करेंगी, इसलिए इसका चार्जिंग सेक्शन मैं एसजीएसटी के चार्जिंग सेक्शन को समझने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसका यूटी जीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 चार्जिंग सेक्शन है, बिल्कुल आइडेंटिकली वर्डेड है जैसे सेक्शन 9 का सीजीएसटी एक्ट है। आप देख सकते हैं, देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड यूटी जीएसटी ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। ये भी इंट्रास्टेट सप्लाईज पर है, ये भी इंट्रास्टेट सप्लाई पर है, मीन्स विद इन द स्टेट सप्लाईज पर दोनों सीजीएसटी भी लगेगा, यूटी जीएसटी और एसजीएसटी, वट एवर द केस दोनों लगेंगे। अब इंटरस्टेट सप्लाई पर लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेक्शन 5 उसका चार्जिंग सेक्शन है, वो भी सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और इस चार्जिंग सेक्शन के बिल्कुल आइडेंटिकली वर्डेड है। एक फर्क है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, और आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है इंटरस्टेट सप्लाई। अगर सप्लाई इंटरस्टेट है, बिटवीन टू स्टेट्स है, तो आईजीएसटी लगेगा। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आईजीएसटी के रेट सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट के टोटल के ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, तो सप्लाई, फिर से एक बार बता दूं, सप्लाई बेशक विद इन स्टेट है चाहे इंटर स्टेट है, जीएसटी का रेट सेम ही रहेगा। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, जीएसटी सप्लाई पर लगता है, अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। ये सेल हो ना हो, जैसा सेल वैट पर, वैट जो है वो सेल पर लगता था, एक्साइज मैन्युफैक्चर पर लगता था, मेरा प्रोसेस मैन्युफैक्चर है या नहीं है, मैं जो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ वो सेल है नहीं है, सर्विस हो या नहीं हो, अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में दे रखी है, उसमें लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स। आप जानते ही हैं इंक्लूड्स का वर्ड टर्म तब यूज की जाती है जब एक टर्म को आपने इंक्लूसिव डेफिनेशन देनी हो, मींस जो सप्लाई के नेचुरल डेफिनेशन में आती है उससे भी अगर हम इसका स्कोप बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्लूड्स वर्ड यूज किया जाता है। सप्लाई को डिफाइन किया है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ सच एज मींस ये एग्जांपल कुछ एक दिए हैं, कैसे फॉर एग्जाम्पल, सच एज का फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, सेल, अगर सेल है किसकी, गुड्स की, सर्विस की कोई सेल नहीं होती, सर्विस प्रोविजन की जाती है, गुड्स की सेल है, सप्लाई हो गई, गुड्स ट्रांसफर की जा रही हैं, सप्लाई हो गई, बार्टर, एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स दी जा रही हैं, बार्टर। जैसे गांव में हम जब छोटे थे देखते थे कि वो एक साइकिल पर आदमी आता था जो खिलौने लेके टॉफियां चॉकलेट लेके आता है, गांव के बच्चे अपने घर से उसको अनाज देते हैं और वो कुछ उनको उसमें टॉफी चॉकलेट देता है, ये ट्रेडिशनल बार्टर भी जीएसटी में कवर है। एक्सचेंज, एक आदमी ने एक सर्विस दी या गुड्स दी, दूसरे ने उसके बदले में दूसरी दे दी गुड्स या सर्विस, वो एक्सचेंज भी जीएसटी में कवर है। लाइसेंस टू यूज एंड प्रोटोकॉल कमोडिटी टू यूज ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये लाइसेंस कवर है। रेंटल, प्रीमाइस रेंटल पे दे दिया, कोई टेंजिबल एसेट रेंटल पे दे दी, किसी चीज़ का लीज कर दिया, कोई चीज़ आपकी फेवर में डिस्पोज कर दी, ये सभी सप्लाई के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी कोई हो और सप्लाई का मोड हो सकता है जो इसकी कंसोनेंस में हो, तो वो भी जीएसटी में कवर होगा। आपने देखा होगा ये सब डेफिनेशंस, वो भी क्वालिफाइड विद द टर्म सच एज, तो सप्लाई का इतना वाइड मीनिंग दे दिया है कि मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मेड आर एग्रीड टू बी मेड, या तो हो गई हो या जिसको करने का एग्रीमेंट हो गया हो, कोई सप्लाई हुई उसका वो जीएसटी में है, कोई सप्लाई करने का एग्रीमेंट हुआ वो भी जीएसटी में है, मींस एडवांसेस इसमें भी कवर है जैसे पहले सर्विस टैक्स में कवर थे। फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई टैक्सेबल नहीं है। दो, इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे,
बाय पर्सन होना चाहिए, तो सप्लाई दो पर्सन के बीच में होनी चाहिए, बाय पर्सन का मीन्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये भी एक कंडीशन है। कुछ सप्लाई जो है वो किसी बिजनेस के कनेक्शन में होनी चाहिए। अगर हम किसी शादी में जाते हैं, गिफ्ट लेके गए हैं, शगन लेके गए हैं, वहाँ खाना खाया, शगन दिया, गिफ्ट दिया, वो बिजनेस नहीं है, वो इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो जीएसटी से बाहर है। इसी तरह फॉर ए कंसिडरेशन, आपने लव एंड अफेक्शन में अपने बच्चे को कोई गिफ्ट दिलवा दिया, कोई आइटम दे दी, उसको मोबाइल दे दिया, वो कंसिडरेशन पे नहीं होता, तो वो भी सप्लाई से बाहर रहेगा। इसके अलावा विदाउट कंसिडरेशन एक और इंक्लूसिव किया है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपने कोई सर्विस इम्पोर्ट की है जिसका कंसिडरेशन दिया है, तो चाहे आप उसको बिजनेस के लिए इम्पोर्ट किया हो या अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, इस पे जीएसटी लगेगा। ये कौन सा हो सकता है? आपको आपने एक पेड चैनल पे मूवी देखी, उसका पेमेंट आपने अपने क्रेडिट कार्ड से दिया, मूवी आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखी, कोई उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, लेकिन वो जीएसटी पे कवर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इस ट्रांजैक्शन पर सरकार जीएसटी कलेक्ट कैसे करेगी, इसका भी डिटेल्ड मैकेनिज्म दिया हुआ है, वो हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एक विदाउट कंसिडरेशन का एक एग्जाम्पल दिया है, सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज मेड आर एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। ये कुछ एक एक्टिविटीज जो विदाउट कंसिडरेशन है वो भी सप्लाई में स्पेसिफिकली इंक्लूड कर ली गई हैं। पहला उसमें है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। आप जो बिजनेस एसेट्स हैं उसको परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हो उसमें, लेकिन वो सारी नहीं है, उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। वो बिजनेस एसेट्स जिनको एक्वायर करते हुए आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, या जब जीएसटी में आते हुए उनका बिजनेस आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, उनको अगर आप परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उस पर जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस बंद कर रहे हैं जो कर रहे थे, और उसको अपनी पर्सनल एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई कंसिडरेशन नहीं आने वाला, लेकिन क्योंकि आपने उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा था, इसलिए आपको उस पर जीएसटी देना होगा जब आप उसको बिजनेस को बंद कर रहे हैं। सप्लाईज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई हो रही है, तो वेदर कोई कंसिडरेशन हो या ना हो, आपको जीएसटी देना होगा। रिलेटेड पर्सन एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट है, आप जानते हैं कि रिलेटेड पर्सन में रिलेटेड कंपनीज, एसोसिएट कंपनीज और सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनीज, या कॉमन डायरेक्टर, कॉमन पार्टनर, कॉमन शेयर होल्डिंग, ये आप कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट ये जीएसटी में नया आया है। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? एक कंपनी का पांच जगह, पांच अलग अलग स्टेट्स में गोडाउन है। अगर कंपनी अपनी फैक्ट्री से अपने ही गोडाउन में माल भेज रही है, जिसको हम स्टॉक ट्रांसफर कहते हैं, तो उस पे जीएसटी देना होगा। क्यों देना होगा भाई? वहां पहले तो हम कह रहे थे 1% टू अदर होना चाहिए, लेकिन जीएसटी लॉ में फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए ये प्रोविजन किया गया है कि एक पर्सन का बिजनेस या ब्रांच अगर दो स्टेट्स में है, तो उसको दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और वो दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, दो अलग अलग पर्सन कहलाएंगे। उनके बीच में जो भी सप्लाई होगी दोनों के बीच में, उस पे जीएसटी लगेगा, फुल रेट पे लगेगा। क्या एक स्टेट में भी एक आदमी के दो डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकते हैं? एक ही स्टेट में अगर मेरा एक गोडाउन और फैक्ट्री है, तो मैं अलग अलग रजिस्टर नहीं होऊंगा, लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर हम एक स्टेट में भी दो पर्सन हो सकते हैं, उसमें टर्म यूज किया हुआ है डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल। अगर किसी पर्सन के एक से ज्यादा बिजनेस वर्टिकल है, जिनके नॉर्मली आपस में बिजनेस रिलेशन नहीं होते हों, आपस में कोई एक का प्रोडक्ट दूसरे का रॉ मटेरियल नहीं है, या एक दूसरे की मार्केटिंग नहीं कर रहा, जैसे बाबा रामदेव के पतंजलि का एक आटा है और एक दवाई है, अगर हरिद्वार में दोनों फैक्ट्रियां हैं, तो दोनों अलग डिस्टिंक्ट पर्सन के तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद जब एक फैक्ट्री
दूसरे को कुछ देगी, या आटे वाली फैक्ट्री ने दवाई वाली फैक्ट्री के एम्प्लाइज के लिए अगर आटा भेजा तो कंसिडरेशन हो कि नहीं हो, जीएसटी देना होगा। इसमें एक प्रोविजो डाला हुआ है कि एम्प्लायर अगर साल में 50,000 रुपये से नीचे के अपने एम्प्लाई को गिफ्ट देता है तो वो जीएसटी ला के अंदर सप्लाई नहीं समझी जाएगी। और विदाउट कंसिडरेशन का एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। हम नॉर्मल कोर्स में बिजनेस में अपनी गुड्स फॉर सेल भेजते हैं, सी एंड एफ एजेंट को देते हैं, जो कोई सेल नहीं होती, जिसमें जब तक वो गुड्स बिक नहीं जाए कोई कंसिडरेशन नहीं होता। लेकिन जीएसटी आने के बाद अगर प्रिंसिपल अपने गुड्स एजेंट को जब भेजेगा तो उस पर जीएसटी देना होगा। सिमिलरली जब हमारे एजेंट ने, हमारे बाइंग एजेंट ने हमें गुड्स सप्लाई की है तो वो हमारी गुड्स थी, लेकिन जब वो हमें भेज रहा होगा तो उस पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा एक और जो विदाउट कंसिड्रेशन का एग्जाम्पल है वो है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाई ए टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन आर फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स आर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर एक टैक्सेबल पर्सन अपने ही रिलेटेड पर्सन से या अपनी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट से, फॉर एग्जाम्पल अपनी पेरेंट कंपनी से, अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज से कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, गुड्स नहीं है, सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, वो भी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के रिलेशन में इंपोर्ट कर रहा है, तो उस पर जीएसटी देना होगा। ऐसे मैंने एक तो ये सर्विस के इंपोर्ट का एग्जाम्पल दिया है, एक पीछे भी दिया था जिसमें हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, लेकिन इन दोनों में गुड्स का नहीं है। गुड्स का एग्जाम्पल यहां देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि गुड्स जो भी इंपोर्ट होंगी वो कस्टम्स एक्ट में कवर होंगी और उसका जो जीएसटी लाइक गुड्स इंडिया में सप्लाई हो रही है उस पर जो भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग रही है उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी के फॉर्म में आईजीएसटी के रेट पे वो टैक्स हो जाएंगी। इसलिए यहाँ उसको डेफिनेशन देने की इनको ज़रूरत नहीं थी। ये देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे बाहर नहीं है, जीएसटी से सप्लाई सब कुछ कवर कर रही है, लेकिन सब चीज़ों पर तो हम टैक्स नहीं ले सकते। कुछ एक तो ऐसी आइटम होंगी ही जो सप्लाई के टर्म से बाहर रखनी होगी, जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जा सकता। उसकी भी एक लिस्ट है जिसको मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी का नाम दिया है। फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। सबसे पहला, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाई सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज एज पब्लिक अथॉरिटीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर सैनिटेशन एटसेट्रा, वाटर सप्लाई, ये सब जो काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज, जिसके लिए वो चार्ज ले रही हैं, वो जीएसटी में कवर नहीं होंगे। सर्विसेज बाई एन एम्प्लाई टू द एम्प्लायर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एक्टिविटीज होंगी और जिसका जो कंसिडरेशन होगा वो भी जीएसटी से बाहर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं अब कह रहा हूँ कि एम्प्लाई जो एम्प्लायर को सर्विस दे रहा है वो जीएसटी के नेट से बाहर है। इससे जस्ट पहले मैंने एक और कहा था कि गिफ्ट जो 50,000 रुपये तक के वो टैक्स नहीं लगेगा। ये इम्प्लाइड है कि 50,000 रुपये तक का अगर टैक्स स्पेसिफिकली टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है, तो अगर कोई एम्प्लायर एम्प्लाई को 50,000 रुपये से ज़्यादा का एक साल में गिफ्ट देता है तो उस पर जीएसटी देना होगा। मेरे बहुत से प्रोफेशनल साथी इसमें बहुत कंफ्यूज हैं, वो कह रहे हैं कि ये दोनों में एक कंट्राडिक्शन है। जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि गिफ्ट सिर्फ 50,000 रुपये तक के एग्जेम्प्ट है जो अगर एक एम्प्लायर अपने एम्प्लाई को देता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एम्प्लाई की सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में जो भी सर्विसेज दी जाएंगी वो टोटली जीएसटी से बाहर है, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे हो सकती हैं? ये जब ध्यान से देखा जाए तो इनमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। कोई भी एक्टिविटी सिंगुलर या ड्यूअल हो सकती है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि एक एक्टिविटी है जिसमें एक आदमी चीज़ बेच रहा है, सेल है, दूसरा उसके बदले में उसको पैसे दे रहा है, वो सिंगुलर एक्टिविटी है। वहाँ पर एक सप्लाई है, एक ने कुछ सामान दिया या कोई सर्विस दी, उसके बदले में उसको पेमेंट दे दी गई, जो करेंसी हमारा मोड ऑफ पेमेंट है, रुपीज़ है, चेक है या बैंक ट्रांसफ़र है, जैसे भी दिया उसको पेमेंट दे दी, तो वहाँ पर सिंगुलर सप्लाई है। लेकिन
बार्टर में, एक्सचेंज में, इन सब में ड्यूअल सप्लाई होती है। एक आदमी ने एक काम किया, उसके बदले में दूसरे ने उसको कोई सप्लाई दी या कोई सर्विस दी, तो दोनों एक दूसरे को सप्लाई दे रहे हैं। इसमें से जो एम्प्लाई एम्प्लायर को सर्विस दे रहा है, सिंगुलर सप्लाई यहाँ एग्जेम्प्ट कर दी गई है। अगर एम्प्लायर अपने एम्प्लाई को टोटल उसका पेमेंट सैलरी में कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कैश में सैलरी दे रहा है, बैंक के थ्रू दे रहा है। लेकिन अगर वो उसको गिफ्ट दे रहा है, कोई जो काइंड में होगा गिफ्ट, नेचुरली काइंड में होगा, कोई सर्विस कूपन होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई वेकेशन का कूपन होगा, वो गिफ्ट की इन्होंने लिमिट लगा दी 50,000 रुपये साल की। ये जब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है, नो डाउट वो उसको उसके एम्प्लॉयमेंट के कंसिडरेशन में दे रहा है, उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट ही दे रहा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो गिफ्ट उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर है, वो सीटीसी का पैकेज है या नहीं है। अगर वो एम्प्लॉयर से कुछ भी चीज़ आ रही हो तो इनकम टैक्स में वो सैलरी एडमिन टैक्स होती है, कहीं और नहीं होती, वो कंसिडरेशन है। लेकिन इसमें एम्प्लाई जो एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, उसके कंसिडरेशन में एम्प्लॉयर भी उसको एक सप्लाई दे रहा है, उस पर ये 50,000 रुपये की कंडीशन है कि 50,000 रुपये तक की सप्लाई जो एम्प्लॉयर से एम्प्लाई को जाएगी वो जीएसटी में नहीं आएगी, इससे ज़्यादा होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा। आई थिंक मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो या मैं कहीं गलत हूँ तो काइंडली मुझे बताएं। उसके बाद जो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाला है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स में जो फीस दी जाती है उसके बदले में जो हमें वो सर्विसेज देते हैं वो जीएसटी से बाहर हैं। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमपीज, एमएलएज एंड म्यूनिसिपैलिटीज मेंबर्स एटसेट्रा, ऑब्वियसली वो सब भी जीएसटी से बाहर हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं जो लोग, जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन एटसेट्रा, जो गवर्नमेंट बॉडी के चेयरमैन और यूपीएससी के चेयरमैन, इस तरह से जो बॉडीज के चेयरमैन और मेंबर्स हैं वो भी जीएसटी से बाहर हैं। ऑब्वियस है ये सब बातें, बहुत ज़्यादा हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेशन और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, शुक्र है सरकार ने जाने के बाद आदमी को सर्विस टैक्स से बाहर रखा है, सॉरी जीएसटी से बाहर रखा है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन है, स्टाम्प ड्यूटी लग रहा था, मॉडल जीएसटी ला कन्फ्यूज़न कर रहा था, लेकिन एक्ट आने के बाद देखा है कि वो कन्फ्यूज़न नहीं है, वो बिल्कुल बाहर है। इसमें से एक जिस पे अभी सर्विस टैक्स और वैट दोनों लग रहे थे वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर ऑनवर्ड सेल, जिसमें बुकिंग पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पहले ही बुकिंग हो जाती है, उस पर आज भी सर्विस टैक्स लग रहा था, वैट लग रहा था, वो अब जीएसटी लगेगा। लास्ट एक्सक्लूजन है एक्शनेबल क्लेम्स का, उसमें से एक्शनेबल क्लेम भी एक्सक्लूड किए हैं, लेकिन लॉटरी, बैटरिंग, गैम्बलिंग ये कवर रखे हैं। एक्शनेबल क्लेम मीन्स वो क्लेम जिन पे एक्शन लिया जा सके, वो डेट्स जो इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी के हाइपोथिटिकेशन, मोर्टगेज वगैरह से सिक्योर नहीं हो, वो एक्शनेबल क्लेम कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है, वही यहाँ जीएसटी में अडोप्ट की है, लेकिन उसमें से लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को एक्सक्लूड किया है, इन पर जीएसटी लगेगा, बाकियों पर नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो शेयर करें जिससे और लोग भी इसको देख सकें। सेकेंडली, आपके ये शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन मुझे ये बताएगा कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मुझे ऐसे वीडियो बनाने में और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इन केस ऑफ एनी डाउट और फर्दर क्लैरिफिकेशन, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस एट द एड्रेस गिवन और इवन एट फोन और एट ईमेल एंड ऑन माई वेबसाइट। थैंकिंग यू, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।